दोस्तों मेरे पास सुजुकी वर्कमैन गाड़ी है। ये गाड़ी में प्रॉब्लम दे नहीं रहा था, खाली मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ कि जो डिटेल मीटर होता है नहीं चलता है, तो आपको क्या चीज़ चेक करना चाहिए। ये वीडियो के अंदर आपको दो गाड़ी बता रहा हूँ, जिसको बोलते हैं BS6 मॉडल और जिसको बोलते हैं BF4। तो ये दोनों गाड़ी का मैं वीडियो बनाया हूँ, आप ये वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिए, आपको बड़ा परफेक्ट पता चल जाएगा कि मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ ये वीडियो के अंदर। दोस्तों आज मैं आपको वीडियो में बताने जा रहा हूँ, सुजुकी वर्कमैन गाड़ी है, जिससे किलोमीटर आपकी गाड़ी अगर नहीं चले तो क्या चीज़ सबसे पहले आपको चेक करना चाहिए कि जो प्रॉब्लम है बहुत इजी से आप उसको सॉल्व कर सकते हो, देख सकते हो। पहले आपको मैं अभी एक गाड़ी रनिंग है या दूसरी हमारे पास एक गाड़ी अभी आने वाली है, तो उससे पहले मैं आपको वीडियो बना के दिखा रहा हूँ, क्योंकि गाड़ी का किलोमीटर अगर नहीं चले क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक है तो इसको कैसे चेक किया जाता है, इसका तरीका ये वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूँ कि आपकी गाड़ी का सेंसर जो पीछे होता है व्हील के पास, ये बता रहा हूँ मैं आपको व्हील किधर है। ये पीछे देखिए, ये पीछे है एक छोटा से सेंसर टाइप लगा हुआ रहता है, आपको दिख रहा होगा नहीं, यहाँ देखिए गंदा है, इसलिए देखो यहाँ उंगली रखा हुआ है, इधर LNP टाइप एक बोर्ड लगा हुआ है, ये जिसे किलोमीटर रीडिंग करता है, इसको किलोमीटर हम लोग सेंसर बोलते हैं, सबका बोलने का अलग अलग तरीका है। तो इसको कैसे चेक किया जाता है कि सेंसर ख़राब है कैसे क्या है, तो आपको ये वीडियो के अंदर दिखाने जा रहा हूँ। पहले आपको और भी चीज़ दिखा दे रहा हूँ मैं, ये जैसे आपको रीडिंग नहीं चल रहा है, जैसे किलोमीटर जो फास्ट होता है इसे 1 2 3 फिर लिख के आता है, अगर नहीं आप नहीं चल रहा है तो आपको क्या चीज़ चेक करना चाहिए आपको बताने जा रहा हूँ वीडियो के अंदर। अब भी आपको खाली एक वायर दिखा रहा हूँ, ये देखिए एक वायर है पीछे बाजू, और इसमें देखिए तीन वायर लगा हुआ है, तीनों वायर में आपको करंट कौन से वायर में आना चाहिए आपको ये दिखाने जा रहा हूँ। ये देखिए एक ब्लैक कलर वायर है और इधर से ब्लैक और वाइट है इधर से, तो इसमें करंट नहीं आता है, और दो वायर में आपको करंट दिखा दे रहा हूँ, करंट कितना आना चाहिए वोल्टेज। अभी इसको मैं ओपन कर रहा हूँ मैं, ये देखिए ये ओपन हो चुका हुआ है। अब इसमें जैसे आप यहाँ भी लगा के चेक कर सकते हो अर्थिंग, और इसमें भी एक वायर अर्थिंग है, आप वहाँ भी चेक कर सकते हो। पहले आपको दिखा दे रहा हूँ मीटर, ये देखिए जिधर बी लिखा है वी लिखा है मैंने यहाँ रखा हूँ, देखिए, और एक वायर देखो कैसे मैंने इसमें लगाया, फिटिंग किया हूँ कैसे लगाया हूँ मीटर में, आप वो देख लीजिए। अभी इसमें एक वायर देखिए मैंने समझ लो बॉडी में कहीं भी टेस्ट कर दे रहा हूँ, टेस्ट करने के बाद अभी इसको आपको जो होता है सॉकेट इसमें दिखा रहा हूँ। अभी इसमें जो इधर से एक वायर आया हुआ है इसमें देखिए, इसमें एक वाइट दिख रहा है ये देखिए, और एक रेड कलर, एक लाल, एक सफ़ेद है, और एक ब्लैक जिसको बोला जाता है काला कलर वायर है। अभी ये देखिए ये बीच वाला जो होता है, ये देखिए जो बीच वाला है इसमें करंट नहीं आएगा, आप मीटर भी देख लीजिए, ये देखिए मीटर पे नहीं बता रहा। दूसरा देखिए, दूसरे मैंने टेस्ट किया हूँ, जितना बैटरी के अंदर वोल्टेज है वो पूरा वोल्टेज बता रहा है, एक इसमें भी बता रहा है, दूसरा देख लीजिए, ये देखिए दोनों में समझ लो अभी करंट इसमें आ रहा है, देखिए ये देखिए। तीसरा जो वायर होता है उसमें नहीं आ रहा है, देखिए करंट इसमें कंपलसरी दो वायर में आना चाहिए। अभी इसको मैं, ये BS6 गाड़ी है तो इसका जो सेंसर का है, सेंसर का समझ लो यहाँ से सही है, कभी आपने चेक किए पूरा समझ लो, जिसे रीडिंग यहाँ जिसे बता रहा था कि कितना वोल्टेज है इतना वोल्टेज बढ़ाओ परफेक्ट बता रहा है, तो समझ जाना चाहिए कि आपकी गाड़ी के जो पीछे बाजू सेंसर लगा हुआ जैसे वायर के साथ में आता है ये ख़राब हो चुका हुआ है, इसको आपको चेंज कर देना चाहिए। अगर करंट नहीं आ रहा है तो कहीं से वायर कट हुआ रहेगा, आपको वो चेक करना पड़ेगा, क्योंकि अभी खाली मैं आपको ये दिखा रहा था इसमें क्योंकि कैसे इसको चेक किया जाता है। अब इसको वायर को मैं ये फिटिंग कर दे रहा हूँ, देखिए
इसका जो प्रॉब्लम है गाड़ी के अंदर नहीं था, खाली आपको वीडियो बना के दिखा रहे थी। हमारे पास से कॉल आता है, कमांड आता है, बोलते हैं सर जो गाड़ी BS6 बैन गाड़ी है उसका किलोमीटर कैसे चेक किया जाता है, तो उसका तरीका बताओ। थोड़े बता रहा हूँ मैं, अभी एक गाड़ी एक है, एक तो BS6 का, अब BS4 होता है आपको भी दिखा दे रहा हूँ, अभी हमारे पास गाड़ी आई हुई है। अब इसमें करंट देखिए दो वायर में आ रहा था, उसमें भी दो वायर में करंट आता है, अभी दिखा दे रहा हूँ आपको। ये देखिए BS जिसको बोलते हैं 4, जिसपे कार्बोरेटर नहीं है, जिस जो ये जो आपको जो दिखाया था BS6 उसमें कार्बोरेटर नहीं आता है, BS4 में कार्बोरेटर वाला है। अब इसका भी आपको जो किलोमीटर होता है इसका भी आपको चेक कर दिखा देता हूँ, नहीं तो आप सोचोगे कि मैं खाली उसमें एक ही वीडियो में आपको दोनों चीज़ दिखा दे रहा हूँ, दोनों गाड़ी दिखा दे रहा हूँ, कैसे आप उसको चेक करना चाहिए। अभी ओपन हो रहा है, ओपन होने के बाद आपको दिखाता हूँ मैं। ये देख लीजिए अभी ओपन, ये डब्बा ओपन होता है, ये देख लीजिए। अब यहाँ से आपको दिखाने जा रहा हूँ, इसके भी आपको पहले स्टार्ट करके दिखा दे रहा हूँ, ये देख लीजिए अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। अब ये देखिए यहाँ रीडिंग बराबर हो रही है, ये बराबर चल रहा है। अब इसका भी वायरिंग का आपको दिखाने जा रहा हूँ कि आप उसका वायरिंग कैसे चेक कर सकते हो। अभी आपको दिखा दे रहा हूँ कार्बोरेटर वाला है, ये देखिए इसको बोला जाता है BS4, इसको जिसमें कार्बोरेटर है इसका भी आपको चेक करके दिखा दे रहा हूँ मैं। ये देख लीजिए जो सेम कलर का वायर उसमें भी था, इसमें भी सेम कलर वायर है, वाइट रेड ब्लैक, ये देखिए सेम है। आपको सोचूंगा वो गाड़ी नहीं बता रहा, दूसरी गाड़ी बता रहा हूँ मैं, इसको भी अभी ओपन कर रहा हूँ मैं। अब ये देखिए इसको अर्थिंग में कहीं भी दे दे रहा हूँ, जैसे आप अर्थिंग यहाँ भी दे सकते हो आप, अभी इसको अर्थिंग में कहीं भी लगा सकते हो। देखो कार्बोरेटर भी लगाया हूँ और तभी भी आपको मीटर बराबर रख के आपको दिखा रहा हूँ मैं। ये देख लीजिए अर्थिंग यहाँ दिया हूँ मैं, अर्थिंग देना चाहिए बराबर, और आपको ये देखिए आपको दिख रहा होगा इसमें, देखिए 12 बता रहा है, ये देखिए इसमें कम बता रहा है, इसमें एक में नहीं बता रहा है, देखिए इस तरीका इसको चेक करने का। जो 12 बोल्ट बता रहा है ये आपको ये देखिए ऐसे आप इसको लगाओगे तो जो वाइट कलर का वायर होता है वाइट में देखिए 12 बता रहा है, ये देखिए 12 वोल्टेज, और दूसरा जो रेड कलर है उसका वोल्टेज देखो कम बता रहे, देखिए। तो ये चेक करने का तरीका है, आप इसको चेक करके इजी से आपको प्रॉब्लम मिल जाए, सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है कभी कभी वायर जो होता है पीछे बाजू से जो नीचे होता है पैर जहाँ रखते हैं वहाँ से वायर कट हो जाता है, तो इसके वजह से क्या प्रॉब्लम दे रहा है कि गाड़ी का जो किलोमीटर होता है वो नहीं चालू होता है। जो गाड़ी कार्बोरेटर वाला है एक वायर में आपने करंट देख लिए, एक वायर में कितना आ रहा है, एक वायर में कितने वोल्टेज हो रहा है, और BS6 में कितना आना चाहिए, एक ही वीडियो में आपको मैंने दोनों दिखा चुका हूँ। इसी तरीका आपको चेक करना है कि जो पीछे बाजू सेंसर आता है ख़राब है कि अच्छा है, इस तरीका चेक करने का आप बहुत ईजी से चेक कर सकते हो। इसका पीछे बाजू भी है, ये देख लीजिए पीछे बाजू इसका भी है, आप पीछे बाजू उसका तो आप उसको बहुत गंदा है सर, आप इसको वॉश करना चाहिए, धो देना चाहिए गाड़ी को। अभी कैसे हमारे पास वॉशिंग करने के लिए नहीं आया हुआ है, खाली हमारे पास दूसरा काम के लिए आया हुआ था, तो इसके ऊपर मैं आपको वीडियो बना के दिखा दे रहा हूँ कि आप बहुत ईजी से जो किलोमीटर नहीं चल रहा है तो बहुत ईजी से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो।
अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन घंटी दबाओगे नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा बहुत ईजी से आपके पास पहुँच जाएगा।